जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र की सच्ची परिभाषा है। इसी परिभाषा को साकार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह लोक सुराज अभियान चलाकर। एक ऐसा अभियान जिसमें सरकार आपके द्वार खुद चलकर आती है आपकी समस्या का समाधान करने। देश ने जिसको दी सौगातें सर पर रखा ताज हूँ मैं, छत्तीसगढ़ राज हूँ मैं, गांव गांव और नगर नगर विकास की है नई डगर, लोक सुराज अभियान हूँ मैं। लोक सुराज जिसमें मुख्यमंत्री आपके द्वार आते हैं और चेहरे मुस्कुराते हैं। जी हाँ, यह अभियान वर्ष 2005 से लगातार अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सीधे जनता से संवाद करता आ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी यानी लोक सुराज अभियान 2016 के अंतर्गत कई काम हुए। 27 अप्रैल 2016 से शुरू हुए लोक सुराज अभियान के कार्यक्रम में लगभग 27 जिलों का दौरा किया गया। लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए सरकार ने 8000 किलोमीटर की दूरी तय की। जनता के हित के लिए लगभग 15000 करोड़ की पूंजी की 1500 योजनाओं की नींव रखी गई। योजनाओं के तहत अनुदान राशि और सामग्रियों का भी वितरण किया गया। आइए अब आपको सरकार की सेवा को विस्तार से बताते हैं। देश में सूखे की समस्या को देखते हुए सरकार ने इस बार किसानों के लिए बड़ी पहल की है। सरकार ने लोक सुराज अभियान 2016 को भूजल संरक्षण से जोड़ा है और लोगों की सुविधा के लिए जल सुराज अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान सूखा पीड़ित क्षेत्रों के किसानों को लगभग 2000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा राहत निधि और राज्य आपदा राहत निधि ने लगभग 10 लाख सूखा प्रभावित किसान परिवारों को करीब 540 करोड़ रुपए की तत्कालिक सहायता राशि मुहैया कराई है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत 6,30,000 किसान परिवारों को 658 करोड़ रुपए की मदद राशि दी गई। इस वर्ष इस अभियान के तहत अल्पकालिक ऋणों को दीर्घकालिक ऋणों में बदला गया। इसके तहत 9,50,000 किसान परिवारों को 300 करोड़ रुपए की विशेष छूट का लाभ मिला। करीब 4 लाख किसानों के सिंचाई पंपों को 1500 यूनिट अतिरिक्त मुफ्त बिजली मुहैया कराई गई। इससे किसानों को लगभग 208 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इस अभियान के तहत सूखा पीड़ित क्षेत्रों के करीब 24 लाख किसानों के लगान और करीब 7 लाख किसानों के सिंचाई टैक्स माफ किए गए। आगामी खरीफ फसलों की बोनी के लिए प्रदेश के सूखा प्रभावित किसानों को अधिकतम 1 क्विंटल धान बीज का निशुल्क वितरण किया गया। 1,40,00,000 से ज्यादा के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण, शानदार यहाँ पे 7 कमरों का हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन के साथ साथ मंगल भवन, सीसी रोड और दूसरे सामुदायिक भवन के काम का हुआ। ये विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक हमारे स्कूल को देखें तो लगता है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव के सड़कों को, गांव की गलियों को, और गांव में बेहतर तरीके से पंचायत का विकास हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार पंचायती राज को ज़्यादा न केवल अधिकार दिया है बल्कि वित्तीय संसाधन भी दुगने देने का काम किया है। 670 करोड़ से ज़्यादा का किसानों को बीमा की राशि देना है, उसका वितरण होगा। 200 करोड़ से ज़्यादा के धान बीज का वितरण का होगा। पीने वाले पानी और भूजल स्तर की समीक्षा की गई। मनरेगा अभियान के अंतर्गत 53,000 से अधिक तालाब निर्माण का लक्ष्य घोषित किया गया। इस अभियान में सरकार के लिए सिंचाई संसाधनों के सुदृढ़ीकरण की समुचित व्यवस्था अहम मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री कृषि योजना के लिए बनी लगभग 55,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना का ऐलान किया गया और कई सिंचाई योजनाओं पर काम शुरू भी किया गया। लोक सुराज अभियान एक पुल है जो सरकार को जनता से जोड़ता है। इसके माध्यम से जहां सरकार जनता से खुद रूबरू होकर अपनी योजनाएं उन तक पहुंचाती है, वहीं जनता के पास मौका होता है अपनी शिकायतों को मुख्यमंत्री के सामने रखने का। लोक सुराज अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता को हर तरीके से सुरक्षित रखने और उनकी सुख सुविधाओं के लिए नई नई योजनाओं को लागू करने का सरकार ने वादा किया है। साथ ही सरकार ने आधी आबादी के लिए अलग योजना का ऐलान किया है। लोगों को निशुल्क बीवन खसरे नक्शे की काफी निशुल्क उनके पंचायत में शिविर लगा के देंगे। लाखों किसानों को जमीन का नक्शा, खसरा और बी टैंक की प्रतियां मुफ्त देने के लिए विशेष अभियान का निर्माण किया गया है। ग्रामीण परिवारों को नियमानुसार आबादी जमीन का पट्टा देने का विशेष अभियान चलाया गया।
मुख्यमंत्री अमृत योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के लगभग 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए एक दिन मीठा, सुगंधित और पौष्टिक दूध का वितरण करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 2.5 लाख गर्भवती महिलाओं को हफ्ते में 6 दिन मुफ्त पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अगले 2 वर्षों में 25 लाख गरीब परिवारों को सिर्फ 200 रुपए का पंजीयन शुल्क लेकर महिलाओं के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन, डबल बर्नर चूल्हा और पहला सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की गई है। लोक सुराज अभियान के अंतर्गत ग्राम सुराज अभियान, नगर सुराज अभियान, विकास यात्रा जैसे जनता के हित के अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लोक सुराज अभियान पहले गांव की सुत लेता था, लेकिन धीरे धीरे इस अभियान ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और लोक सुराज अभियान 2015 के अंतर्गत इस अभियान में गाँव के साथ साथ शहरों को भी शामिल किया गया है। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण, पंच सरपंच, मुख्य सचिव, ग्राम पंचायत के सचिव सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यह अभियान हर वर्ष गर्मी के मौसम में ही चलाया जाता है, क्योंकि इस समय किसान, स्कूली बच्चे सभी को दोपहर के वक्त कुछ फुर्सत के पल मिल जाते हैं और यह वक्त लोक सुराज के अधिकारियों के लिए उनसे बातचीत करने के लिए बेहतर होता है। बेशक लोक सुराज अभियान ने छत्तीसगढ़ के विकास और जनता की सरकार से दूरियों को पाटने का सराहनीय काम किया है। ग्राम सुराज से शुरू हुआ यह सफर लोक सुराज बनकर आगे बढ़ रहा है और नई योजनाओं और विकास से छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रहा है। देखते रहिए डीवी लाइव।